morning all. How are you? I know you all are fit and fine and doing your work with full interest. तो अभी तक बेटा हम लोगों ने इंग्लिश में ऐड टू ल कर लिया. आज हम सीक्वेंस राइटिंग करेंगे. सीक्वेंस राइटिंग में प्रॉपर वे में ऐड टू ल लिखना सीखेंगे. आप में से बहुत से बच्चे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लिख के भेजते हैं, बट कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो कर्व प्रॉपर नहीं बनाते और या फिर उनको लाइंस की कन्फ्यूज़न हो जाती है. तो आज मैम आपको प्रॉपर वे में ऐड टू ल लिखना सिखाएंगे, तो आप सब ने उसको फॉलो करना है. लेट्स स्टार्ट. तो बेटा आज हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस राइटिंग. तो सबसे पहले आज की डेट डालेंगे. आपने डेट खुद डालनी है, मम्मा की हेल्प नहीं लेनी. कोशिश करनी है अपने आप लिखनी डेट भी और क्लास वर्क भी. इसकी प्रैक्टिस घर पे करते रहा करो ताकि ये दो चीज़ें आपको अपने आप लिखनी आ जाए. ओके, नेक्स्ट है अब हमारी हेडिंग ऐड टू ल. आज हमने ऐड टू ल करना है बिकॉज ल तक हमारा हो चुका है. बट बहुत से बच्चे तो ब्यूटीफुल लिखते हैं, कई बच्चे कर्व्स का या लाइंस का ध्यान नहीं रखते. इसलिए मैम एक बार फिर से दोबारा आपको सीक्वेंस राइटिंग बताने लगे हैं किस तरह से. ब क ड. देखो मैम ने ए ब क ड चारों जब लिखे एक बार भी पेंसिल बीच में से उठाई नहीं. जब ए लिखा तो पूरा ए खत्म होने के बाद पेंसिल उठाई, ब लिखा तो पूरा ब, फिर ऐसे क ऐसे ड. बट आप में से बहुत से बच्चे कुछ गलतियां करते हैं. बहुत से बच्चे ए ऐसे वाला लिखते हैं, देखो ऐसे सी बना के वन बना देते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं. दिस इज़ रॉन्ग बेटा. ए में ऐसे कर्व करके अप फिर डाउन फिर देन कर्व. ओके, ब में भी बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं. ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा लिखते टाइम, तभी आपकी फॉर्मेशन प्रॉपर आएगी. नाउ सी, इस वीडियो को आपने बार बार देखना है जिनको थोड़ी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है. लेटर ए एक्सरसाइज वाला, पहले स्लीपिंग लाइन लगाई मैंने, फिर उसके बाद हाफ सर्कल. कई बच्चे ऐसे हाफ सर्कल लगा के फिर स्लीपिंग लाइन लगा के ज्वाइन करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग. रॉन्ग वे में आप लोगों ने कुछ नहीं करना. नाउ सी फ. फ की भी लाइन की कन्फ्यूज़न बहुत से बच्चों को हो जाती है. ऊपर वाली ब्लैक लाइन के ऊपर लाइन लगानी है, कई बच्चे नीचे वाली ब्लैक लाइन पे ही लगाए जा रहे हैं. ग, ग को नीचे से कर्व करना है. एक दो बच्चों की ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, वो राउंड करके ऐसे ले जाते हैं. दिस इज़ नॉट प्रिंट राइटिंग. जब आप ऐसे वाला ग बनाओगे ना, ये वाला ऐसे बनाते हैं बहुत से बच्चे, ये रॉन्ग है. आपको इस तरह से ग बनाना पड़ेगा जिस तरह से मैम ने आपको सिखाया. प्रिंट राइटिंग कर रहे हैं ना हम लोग, तो प्रिंट राइटिंग में ग इस तरह से नहीं बनेगा. ह, ह में यहाँ से भी कर्व करना है और यहाँ से भी कर्व करना है. कुछ बच्चे ऐसे स्लिपिंग स्टैंडिंग बना देते हैं यहाँ से, वो भी रॉन्ग है. इग्लू वाला ज. अब देखो ई और ज, इन दोनों का फेस एक दूसरे के साइड होता है ना. ई ज की तरफ देख रहा और ज ई की तरफ देख रहा. क ल, ल में भी कर्व राउंड राउंड और छोटा सा कर्व बनाना है. बहुत बड़ा ऊपर ब्लू लाइन तक नहीं लेके जाना. ओके, इसी तरह आपने एक बार फिर से वन लाइन लीव करके नीचे फिर से ऐड टू ल लिखना है. टू टाइम्स वन पेज पे लिखना है. ओके बेटा.